अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड पीपीएससी एस्पायरेंट्स। इससे पहली वीडियो में हम इस वीडियो का पार्ट वन कर चुके हैं, मतलब फूड ग्रेन इंस्पेक्टर जो कि 30/4/2023 को पीपीएससी के थ्रू पेपर हुआ था, उसका दूसरा हिस्सा पार्ट टू जो है वो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं बगैर किसी टाइम ज़ाया किए फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। एंटोनियम ऑफ क्लाइमैक्स इज बॉटम। नंबर टू, विच वन इज वेजल्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था कैपिलरीज। EBDO एंड PODO इन्फोर्स्ड बाय, कि ये जो EBDO है और PODO ये किसने इन्फोर्स किए थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था अयूब खान। अगर बात करें कि EBDO की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो इलेक्टिव बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर, ये एक ऑर्डिनेंस था जो कि अयूब खान ने इन्फोर्स किया था जी। नेक्स्ट वन इज अटलांटिक चार्टर वाज साइंड बाय, कि जो अटलांटिक चार्टर है वो किसने साइन किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था डी रोजवेल्ट। कंट्री जॉइन यूएन इन 2006 वाज, कि 2006 में कौन सा मुल्क था जिसने ज्वाइन किया था यूएन को, तो इसका जो सही जवाब वो था मोंटीग्रो। और अगर डेट कभी आ जाती है, मतलब क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि डेट पूछी जाए, तो 28 जून 2006 को ज्वाइन किया था। पैलेस्टाइन अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स इज इन, मतलब जो फिलिस्तीन का अथॉरिटी हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है, तो इसका करेक्ट आंसर था रमाला। कश्मीरी लीडर हु डाइड इन 2021, कश्मीरी कौन से लीडर थे जो कि 2021 में उनकी डेथ हुई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था अली शाह गिलानी। कैपेसिटी ऑफ लंग्स एज इनहेल्स एंड एक्सहेल्स - ml ऑफ एयर, कि कितने ml जो एयर है वो जो हमारे लंग्स हैं वो इनहेल या एक्सहेल उनकी कैपेसिटी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर 500 ml है। ज्यूज किल्ड इन वर्ल्ड वॉर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर 5.7 मिलियन। वाटरलू इज लोकेटेड इन बेल्जियम। स्लो एंड स्टेडी - द रेस, इंग्लिश में ये फिल इन द ब्लैंक्स के हवाले से एक क्वेश्चन था जिसका जो करेक्ट आंसर बहुत सिंपल विंस। हाउ मैनी स्टेट्स आर इन USA, USA में टोटल कितनी स्टेट्स हैं, तो इसका करेक्ट आंसर 50। अल्पाइन ग्लेशियर्स इज नोन एज वैली ग्लेशियर्स, कहा जाता है अल्पाइन ग्लेशियर्स को। काला बाग डैम इज इन, कि काला बाग डैम जो है वो कहाँ पे है, तो इसका करेक्ट आंसर पंजाब। मेटल्स एट रूम टेम्परेचर, जो मेटल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे उनकी क्या होती है हालत, तो इसमें जो करेक्ट आंसर वो है सॉलिड। इन 1956 DNA पॉलीमरेज वॉज डिस्कवर्ड बाय ई कोली। द रिटायरमेंट एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं उनकी रिटायरमेंट एज क्या होती है, 65 years, करेक्ट आंसर। मिनॉरिटी सीट्स इन नेशनल असम्बली आर, मतलब नेशनल असम्बली में जो मिनॉरिटी की सीट्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 10। मलेशियन PM डिमांडेड इंडिपेंडेंस, तो इसका करेक्ट आंसर अब्दुल रहमान। गंदारा सिविलाइजेशन इज द एट्रीब्यूट ऑफ टेक्सला। द बर्बर ट्राइब्स वर रेजिडेंट्स ऑफ, जो बर्बर ट्राइब्स हैं ये कहाँ पे रहते थे, तो नॉर्थ अफ्रीका, इसका करेक्ट आंसर था। 624-54 व्हाट इज थर्ड, मतलब इस पे जो तीसरे नंबर पे ये सीरीज थी मैथ के वाले से, तो इसमें क्या करेक्ट आंसर था, 36। आई वर्क मॉर्निंग टिल नोन, इट इज कंजक्शन। ही मेट हर बिफोर, इसमें बिफोर जो है वो क्या है, तो ये एडवर्ब।
वॉइस चेंज, ही इज राइटिंग अ बुक, इसकी जो करेक्ट ऑप्शन था वो था अ बुक इज बीइंग रिटन बाय हिम। ही सेड दैट आई माइट अचीव माय गोल, ही सेड मे यू अचीव योर गोल। हु वॉज द फर्स्ट यंगेस्ट एरोस्पेस फीमेल इंजीनियर इन पाकिस्तान, इसका करेक्ट आंसर रूबा अफरीदी। सम ऑफ फादर एंड सन एज इज 50 ईयर्स, द ईयर्स अगो फादर्स एज 9 टाइम्स ऑफ सन, व्हाट इज द फादर्स एज, इसका जो करेक्ट आंसर वो 37 ईयर्स। गोल्ड कॉपर एंड सिल्वर फाउंड इन सलंदाक, उसके बाद क्वेश्चंस, हज़रत इब्राहिम कहाँ पैदा हुए, इसका करेक्ट आंसर इराक था। आदमी नामा, उर्दू के हवाले से आदमी नामा किसने लिखा, इसका करेक्ट आंसर नज़ीर अकबर आबादी। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, किसका शेर है, अलामा मोहम्मद इकबाल साहब का। तो रैत किस मज़हब की किताब है, इसका करेक्ट आंसर यहूदियत। किस गजवा में साहबा कराम पर नींद तारी की गई, इसका जो करेक्ट आंसर वो गजवा बदर। जादू और मौजज़ात के दरमियान फ़र्क बताने के लिए भेजा हारूत व मारूत को, फिरौन के दौर में कौन से पैगंबर थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। ज़मींदार अखबार किसने जारी किया, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, इसका करेक्ट आंसर है। नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो ये अतालवी मतलब यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। मस्जिद कौन सा इस्म है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें ज़र्फ़ मकान। असदुल्ला खान का तखल्लुस था मतलब क्या था, यह सॉरी तखल्लुस है होगा, तो इसका करेक्ट आंसर गालिब। दीन से फिर जाने वाले को क्या कहते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर वह है मर्तद। खतूत निगारी का इमाम कहा जाता है, खतूत निगारी का इमाम किसको कहते हैं, गालिब को। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाना फजीलत साबित करता है तमाम मखलूकात पर, उसके बाद सवाल है ज़रबुल मिसल इसमें से मतलब कौन सी थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हदीस की रोशनी में हमसायों से अच्छे ताल्लुकात रखना किस चीज़ की निशानी है, तो ये ईमान की खूबसूरती की निशानी है। मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग का करदार है डिप्टी नज़ीर अहमद का। जी लास्ट स्लाइड, हर वीडियो में लास्ट स्लाइड जो है वो आपके लिए, आपने आंसर देना होता है तो आप भी इसका भी आंसर आपने जो कमेंट्स हैं उस सेक्शन में दे सकते हैं। ज़मींदार अखबार किसने जारी किया था, तो इसका जो जवाब है वो आप चाहें तो कमेंट्स में दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद एजुकेशनल और जॉब्स अपडेट्स के हवाले से वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो नेक्स्ट हम वीडियोस अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सकें। जज़ाकअल्लाह।